जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। और समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मुठभेड़ मुंज मार्ग इलाके में हुई, जहां ADGP कश्मीर ने बताया कि मारे गए 3 स्थानीय आतंकवादियों में से 2 की पहचान हो गई है, जबकि तीसरे की पहचान प्रक्रिया जारी है। इनमें से एक शोपियां का लतीफ लोन है, जो एक कश्मीरी पंडित पुराण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था, और दूसरा अनंतनागिन का उमर नजीर नेपाल के तिलबहादुर थापा की हत्या में शामिल था। इनके पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की टीम को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, वहीं जवान अभी भी मोर्चे पर हैं। तो 3 स्थानीय आतंकी इस मुठभेड़ में अभी तक ढेर किए गए हैं।